नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः इंसेप्शन जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, नियमित रूप से पढ़ाई लिखाई चल रही है। मैं अपनी हर क्लास में बात दोहराता जरूर हूं और ये इसीलिए कि आप नियमित रूप से पढ़ते रहे। नियमित रूप से अभ्यास करने का यानी रेगुलर प्रैक्टिस करने का एक अलग बेनिफिट होता है। इसका एडवांटेज आपको बाद में पता चलता है कि हम जो काम निरंतर कर रहे थे, कंटिन्यूटी में कर रहे थे, उसी से हमने यहां पर एक बहुत बड़े पाठ्यक्रम को बहुत ढंग से तैयार कर लिया। तो जीएस सब्जेक्ट की जब बात होती है, जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों में कुछ गलत परसेप्शंस बने हुए हैं। जैसे जीएस को लेकर एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन है कि इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि कभी कवर नहीं किया जा सकता। कोई भी विषय हो वो बहुत विस्तृत दायरे तक जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ मूलभूत बातें होती है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फंडामेंटल चीजों को आप क्लियर करते हैं तो सीमित समय में भी उसे बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो नो डाउट कि जीएस का पाठ्यक्रम वाकई बहुत बड़ा है। ज्ञान विज्ञान की दुनिया में जितने भी ज्ञान हो सकते हैं सब जीएस है, लेकिन फिर भी अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप एग्जाम ओरिएंटेड अगर स्टडी की जाए तो हम सीमित जानकारी से भी परीक्षा पास कर सकते हैं। आपके लिए यह चुनौती नहीं है कि आप यहां स्कॉलर बनने जा रहे हैं, आप विद्वान बनने जा रहे हैं। आपके लिए सिर्फ एक टास्क है, एक चैलेंज है कि हम जीएस कम से कम इस लेवल पर तैयार कर लें कि एग्जाम क्रैक कर दें। और जो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है वो कम से कम मूलभूत स्तर पर, फंडामेंटल लेवल पर जीएस की तैयारी बहुत अच्छी कर लेता है और कोई भी एग्जाम हो उसे इजिली क्रैक कर लेता है। क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप देखेंगे किसी भी जनरल कंपटीशन में, वो चाहे पुलिस के एग्जाम हो यानी कांस्टेबल लेवल का एग्जाम हो, और वो चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात करें उसमें हो, हर जगह पर जीएस का रोल बहुत अहम है। और खासकर अब आप जानते हैं कि एसएससी टीयर 2 में भी इसका वेटेज बढ़ा दिया गया और पहली बार इसे मेन्स के पेपर में टीयर 2 के एग्जाम में इंक्लूड कर लिया गया। तो जीएस का रोल अब आपके लिए बहुत डिसाइडिंग है और इसी नजरिए से आपको जीएस में जनरल स्टडीज में कम से कम फंडामेंटल लेवल पर बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। दूसरी बात मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, यह भी एक गलत परसेप्शन है कि कुछ लोग मानते हैं कि बहुत हम यहां पर शॉर्ट तरीके से जीएस पढ़ने काम चल जाएगा। उनके दिमाग में रहता है कोई एक ऐसी गाइड हो जिसको हम पूरा रट ले, इससे जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर ले। जीएस में कभी भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बहुत मदद नहीं दे सकती। शॉर्ट ट्रिक्स आपको तभी मदद दे सकती है जब आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है, आपका बेस बन जाता है। और इसीलिए जो बिगनर्स बच्चे होते हैं, जो शुरुआत करते हैं, उन्हें यहां पर सबसे पहले फंडामेंटल या बेसिक चीजों पर काम करने में समय लगता। तो आप अगर बहुत नियमित तरीके से अभ्यास करते हैं तो आपको शायद 7-8 महीनों में ही परिणाम मिलने लगता है। और जीएस का पाठ्यक्रम कुछ ऐसा है कि लगभग आपको 6-7 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करनी भी चाहिए। तो इसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए मैं आज यहां पर ज्योग्राफी के अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहा हूं। और जैसा कि आप सबको ध्यान ही है, हम लोग जिस चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी, उसका लेक्चर नंबर 12 आ चुका है सामने। तो आज हम लोग एक नए लेक्चर के माध्यम से एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो पढ़ रहे थे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, उस पर आज एक नई जानकारी को इंक्लूड करने जा रहा। तो आप मानचित्र देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्षांश और देशांतर को लेकर अब तक आपने, यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में अब तक आपने कुछ बेसिक चीजें सीख ली है। जैसे पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण करना हो, किसी प्लेस की लोकेशन डिसाइड करनी हो, तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की नॉलेज चाहिए। इसी तरीके से अगर देखा जाए, हमें किसी भी स्थान की अवस्थिति गोलार्ध के अनुसार जाननी है कि वो उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में, तो अक्षांश की जानकारी, वो पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में, तो देशांतर की जानकारी। लेकिन जब हम समय की गणना की बात करते हैं, टाइम के कैलकुलेशन की बात करते हैं कि डे और नाइट यहां पर कैसे हो रहा है, समय कैसे यहां आगे बढ़ रहा है, पीछे है, तो इन सब बातों की गणना हम देशांतर के आधार पर करते हैं। तो आपने अभी कल की क्लास में ही लॉन्गिट्यूड के बारे में, देशांतर के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझी और टाइम कैलकुलेशन को लेकर के मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था।
उसी संदर्भ में आज मैं कुछ आगे बात करने जा रहा हूं। लेकिन बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बात और स्पष्ट करता हूं कि बच्चों, ये सप्ताह त्योहारों का सप्ताह है। अभी धनतेरस आने वाले है, उसके बाद दीपावली का पर्व है, इसके बाद आप यहां भैया दूज का पर्व मनाएंगे, फिर छठ पूजा का यहां पर्व आ जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर आपको स्पष्ट कर देता हूं कि कुछ छुट्टियां भी रहेंगी। मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैंने जो मिशन शुरू किया है ये मैं अब रोकने वाला नहीं हूं, ये निरंतर जारी रहेगा। और इसी चैनल पर आपको जीएस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, बहुत लुसिड मैनर में सारी क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ के साथ मिलेंगी, और आप जीएस पढ़ करके फील करेंगे कि जीएस से आसान शायद कोई विषय है ही नहीं। अगर समझ कर पढ़ा जाए तो इससे ज्यादा रुचिकर विषय, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इससे ज्यादा आसान कोई विषय नहीं। और इसकी भूमिका हर एक परीक्षा में आपको पता। अब ये छुट्टियां, जैसे धनतेरस का पर्व अगर मान लीजिए कल ही है तो मैं कल हो सकता अवकाश रखूं, एक बार पहले कंफर्म करूंगा कि शायद परसों की धनतेरस है तो परसों छुट्टी रख लेंगे। और अगर रविवार के दिन आपकी दीपावली का पर्व पड़ जाता है तो हो सकता उस दिन का टेस्ट हम छोड़ दें। लेकिन दीपावली, भाई दूज और इसके साथ साथ यहां पर जो आपका धनतेरस का पर्व होगा, ये तीन छुट्टियां इधर रहेंगी, और फिर छठ पूजा की एक दिन की मैं छुट्टी रखूंगा, बाकी आपकी क्लास निरंतर चलती रहेगी। तो सबसे पहले तो आप सबको यहां पर एडवांस में ही मैं धनतेरस की शुभकामना दे दूं, दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, भाई दूज के पर्व की बहुत शुभकामना और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। ये पूरा त्योहारों का समय है लेकिन इसमें अपनी पढ़ाई को मैनेज करके आप जरूर रखिएगा, क्योंकि धन तभी आपके पास आएगा, धनतेरस तभी सार्थक होगा जब आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए निरंतर परिश्रम करते रहेंगे, अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करते रहेंगे। और इस कोशिश में ही मैं भी थोड़ा सा आपके साथ प्रयास कर रहा हूं कि बच्चों को परीक्षा में परिणाम मिले, वो रिजल्ट लेकर आए और कहीं ना कहीं आप सरकारी नौकरी प्राप्त करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करें, सम्मान पाए और अपने जीवन को भी बेहतर बनाए। तो इसी पवित्र संकल्प के साथ हम लोगों ने एक क्लास शुरू की थी, आज मैं उस लेक्चर में आपको एक और अध्याय की ओर लेकर आगे बढ़ रहा हूं, और जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में। इस मानचित्र को तब तक आप गौर से देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और यहां पर ग्लोब पर भी आप इसको देख सकते हैं, चीजें आपके सामने है। तो चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूं, तब हम लोग इसी नोट्स को एक बार दोबारा देखेंगे। तो देखिए, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किस पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन के संदर्भ में सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की गई है यह सीधी रेखा नहीं है, सीधी रेखा नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉट स्ट्रेट लाइन। जैसे प्राइम मेरिडियन आपने पढ़ा था कि प्राइम मेरिडियन एक सीधी रेखा आपको दिख रही थी, वैसे यहां पर यह सीधी रेखा नहीं है बल्कि यह तीन स्थानों पर, तीन अलग अलग स्थानों पर मुड़ी हुई है, तीन अलग अलग स्थानों पर मुड़ी हुई है, बेंट एट थ्री डिफरेंट प्लेसेस। दूसरी बात, यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है किस देशांतर के सहारे गुजरती है, 180 डिग्री का देशांतर, 180 डिग्री का देशांतर, यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये।
तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसी के सहारे रेखा गुजर रही है, लेकिन यह सीधी नहीं खींची गई है, बल्कि यहां पर तीन अलग अलग स्थानों पर मोड़ी गई है। और ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे एक लॉजिक है। तो पहले उस लॉजिक को हम लोग समझेंगे और उसके बाद फिर नोट्स पर दोबारा आएंगे, जो आपके लिए मैंने प्रिंटेड मैटर सामने भी रखा था। सबसे पहले तो बच्चों, आपने अभी कल की क्लास में ही जो पढ़ा था उसको एक बार फिर से कनेक्ट करें कि जो प्राइम मेरिडियन है, जीरो डिग्री का देशांतर, जीरो डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, जीरो डिग्री का जो देशांतर है, इसके बारे में आपने पढ़ा कि इसी को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, और इसके बेस पर मैंने आपको कल ही यह पढ़ाया कि हम टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पर आपसे प्रश्न करें कि भारत का समय, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें और इस पर आपसे एक प्रश्न पूछे कि ये बताइए कि ये जो जीरो डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसी को एक नाम दिया गया जीएमटी, इसे जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम आपको बताया था, ये बताइए जीएमटी से आगे है या पीछे है। एक प्रश्न तो ये, जिसका आप जवाब बहुत आसानी से दे सकते कि ये जीएमटी से आगे है या पीछे। दूसरा, यहां पर अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अगर आगे या पीछे है तो समय में कितना अंतर है, समय में कितना अंतर, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। दो के दोनों प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में अब आप है। तो सबसे पहली बात, जीएमटी किसे कह रहे हैं, जीरो डिग्री के देशांतर को, ये आपको पता है, इस पे हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। और जब हम आईएसटी की बात करते हैं तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी की बात होगी तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सा देशांतर है, तो आप कहेंगे सर 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है, यही तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया, यही तो भारतीय मानक समय माना गया। और क्यों इसे भारतीय मानक समय माना गया, कल की क्लास में मैं आपको समझा भी रहा था कि यह कैसे भारत का एक सेंट्रल मेरिडियन बनता है, भारत के पूर्व और पश्चिम के देशांतरीय विस्तार के लगभग बीच में पड़ता है। तो जो ईस्टर्न और वेस्टर्न स्ट्रेच है इंडिया का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच है, उसके लगभग सेंट्रल में ये सिचुएटेड है, इसलिए इसे हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया। तो पहली बात आपने क्या सीखी थी, उसी को यहां पर अप्लाई कर दीजिए कि जब भी हम जीएमटी से ईस्ट की ओर होते हैं, जीएमटी से अगर हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो समय हमेशा क्या होगा, आगे, समय आगे होगा। यानी एक प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया कि जब हम 82.5 ईस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत का मानक समय अगर पूछा जा रहा तो ये तो 82.5 डिग्री ईस्ट है, और ईस्ट में जैसे ही गए तो आपने कहा सर आगे होगा पीछे नहीं, ये तो नो डाउट तुरंत आंसर आप दे पाएंगे कि सर भारत का समय आगे होगा। अब कितना अंतर है ये भी पूछा जा रहा है एक प्रश्न, तो ये भी आप जवाब दे सकेंगे। आप कहेंगे कि सर 82.5 हमें आगे जाना, तो जब 15 डिग्री आगे जाने पर आप कहते हैं एक घंटा प्लस होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक घंटे को हम कह सकते हैं 60 मिनट आगे जाता, 60 मिनट आगे चले जाते, चाहे घंटा हम कह ले, 1 आवर कह ले, या चाहे हम 60 मिनट्स कह ले, तो 60 मिनट्स आगे चले जाते जब भी 15 डिग्री ईस्ट की ओर बढ़ते, हर 15 डिग्री ईस्ट पर यहां 1 आवर प्लस होता चला जाता। तो इससे कैलकुलेशन करके आप ये बता देंगे कि एवरी 15 डिग्री पर ना, बल्कि हम
एवरी डिग्री की बात करने लगे तो कहेंगे 4 मिनट का अंतर होता। भाई सीधी सी बात है, आपने 60 को 15 से डिवाइड करके निकाल लिया, 4 मिनट आ गया। जब 15 डिग्री के डिस्टेंस पर 60 मिनट का डिफरेंस आ रहा है तो 1 डिग्री के डिफरेंस पर 4 मिनट का अंतर आएगा। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप सब मुझसे ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। तो यहां पर 4 मिनट का अंतर आता है 1 डिग्री पर। ईस्ट में अगर है तो 4 मिनट प्लस होगा हर डिग्री पर, वेस्ट में है अगर प्राइम मेरिडियन से तो पीछे होगा। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि जीएमटी से हम आगे है 82.5, तो हमें 4 मिनट आगे होता हुआ मिलेगा हर डिग्री पर। तो 82.5 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक तो यहां पर अगर 82 को पहले 4 से कर लिया जाए तो 4 × 2 = 8 और 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8 and 4 × 8 = 32, 328 मिनट्स तो ये आ गए। और अभी आधा देशांतर और बचा, आधा डिग्री की बात कर रहा हूं, 82.5 डिग्री को माना है मानक समय हमने, तो 1 डिग्री पर 4 मिनट तो आधे डिग्री पर कितना, 2 मिनट हो जाएगा। सीधी सी बात, यानी हमें 2 मिनट इसमें और ऐड कर देना है, तो 2 मिनट ऐड कर देंगे तो यहां पर ये 330 मिनट बन जाएगा। और 330 मिनट का अर्थ आप समझ गए होंगे बच्चों, 300 मिनट का मतलब क्या हुआ, 300 मिनट का मतलब क्या हुआ यहां पर कि आप इसको 60 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ गया, 5, यानी 5 घंटे बन गए। और 30 मिनट से आप प्लस और है तो प्लस 30 मिनट इसमें आप ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर आ गया। यानी अब इस प्रश्न का आप जवाब क्या देंगे बच्चों, आप कहेंगे इंडिया का टाइम जीएमटी से 530 आवर्स प्लस है। यानी अगर इस समय रात के 11 बज रहे हिंदुस्तान में, अपने देश में रात के 11 बज गए, तो लंदन का समय क्या होगा, जीएमटी का टाइम क्या होगा, हमें 5.5 घंटे पीछे चले जाना। यानी आप कह सकते हैं कि वहां पर अभी शाम के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 5:30 में 5:30 जोड़ दिया जाए तो ये 11 बज गए, तो हम लोग 5.5 घंटे आगे। आप रात 11 बजे की क्लास अगर ये कर रहे हैं तो इसका लंदन वाले अभी शाम की 5:30 बजे की चाय पी रहे होंगे। इस तरह से पृथ्वी पर किसी भी स्थान का समय निकालना हमने कल सीखा था, अगर हमें जीएमटी का टाइम पता हो या हमें उस स्थान का मेरिडियन पता हो। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पर बच्चों आगे एक चीज आप नोटिस करिएगा कि जब हम एक पर्टिकुलर देशांतर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, हमने एक देशांतर लिया, अब ये देशांतर यहां पर अगर देखा जाए ये है 0 डिग्री का देशांतर, तो ये जो 0 डिग्री का देशांतर है इससे यहां पर जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं और पहुंच गए हम मान लीजिए 90 डिग्री देशांतर ईस्ट में, तो समय कितना आगे हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 घंटे आगे हो जाएगा, 6 घंटे प्लस, किस पर, 90 डिग्री देशांतर पर। अब अगर मान लीजिए कोई पश्चिम की तरफ जा रहा है और इस नजरिए से वो पहुंच गया 90 डिग्री पश्चिम पर, तो इसका मतलब यहां पर क्या स्थिति बनी कि जो 0 डिग्री जीएमटी का टाइम है इससे ये 6 घंटे माइनस हो गया। अब अगर इसी से और आगे बढ़ते हुए मान लीजिए कि हम पहुंच गए 180 डिग्री पर, 180 डिग्री किधर से जा रहे, ईस्ट के साइड से जा रहे हैं, तो इसका मतलब अब यहां पर टाइम की पोजीशन क्या हुई, तो प्लस 12 घंटे हो गए, प्लस 12 आवर्स हो गया। और अगर कोई इधर से बढ़ते हुए मान लीजिए पश्चिम की तरफ से जा रहा है और वो यहां पर पहुंचता है कहां, 180 डिग्री पर, ये किधर से आया, पश्चिम से,
तो यहां पर भी स्थिति अगर आप देखें तो क्या बन रही है, -12 आवर्स हो गया। तो मैथमेटिक्स के अनुसार चलेंगे तो आप कहेंगे सर -12 और +12 मिलकर कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि माइनस प्लस मिलाकर अगर देखें तो दोनों को जहां यहां पर मैच करेंगे कैंसिल कर दे मैथमेटिकली, लेकिन ज्योग्राफिकली नहीं। क्योंकि आप सोचिए, आप कह रहे एक इंसान मुझसे 12 घंटे पीछे खड़ा है और एक मुझसे 12 घंटे आगे खड़ा, तो उन दोनों को कंपेयर किया जाए। यानी अगर बीच में आप हैं और एक 12 आगे एक 12 पीछे, तो आपके रेफरेंस में वो आगे पीछे है, लेकिन आप फट जाइए और कहिए अब उन दोनों में अंतर बताइए। तो एक 12 पीछे था, एक 12 आगे था, रियल में वो दोनों 24 घंटे के डिफरेंस पर होंगे। क्योंकि अगर किसी ने 12 घंटे पीछे कोई काम शुरू किया और किसी ने 12 घंटे आगे कोई काम शुरू किया, वो आगे ऑलरेडी एडवांस में, तो जो 12 घंटे आगे और जो पीछे, उन दोनों को कंपेयर करें, अपने को बीच से हटा दीजिए, तो 24 घंटे का अंतर आया। क्योंकि 12 इधर का और 12 इधर का जोड़ करिए, पूरे 24 घंटे का अंतर है। और जब हम डे की बात करते हैं तो एक दिन वह वन डे 24 घंटे का ही तो होता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर आपने इससे और आगे बढ़ना शुरू किया, अगर आप इससे और आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप यहां से इसमें इंटर हो रहे हैं। इससे आगे बढ़ने का मतलब इसमें इंटर हो रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, ये बोर्ड तो आपको स्क्वायर में दिख रहा है जिस पर मैं लिख रहा हूं, लेकिन इसको फोल्ड कर दिया जाए। जैसे आप ऐसे समझिए, आप एक पेपर निकालिए, एक पेपर का टुकड़ा रखिए, अपनी नोटबुक से एक पेपर निकालिए और पेपर के मार्जिन पर, दोनों मार्जिन पर आप 180 डिग्री की एक लाइन खींचिए स्केच पेन से, और उनके बीच में 0 डिग्री का मेरिडियन खींचिए, और फिर इसके बाद एक 0 से ईस्ट और एक 0 से वेस्ट जाइए, और फिर पेपर को फोल्ड करके ऐसे मिला दीजिए। पृथ्वी गोल है, तो जैसे ही आप यहां पर उसे मिलाएंगे, दोनों 180 जो दोनों मार्जिन है मिलेंगे, तो दोनों 180 एक साथ आ गए। यानी 180 डिग्री का देशांतर एक ही है। पूर्व से जब जा रहे हैं तो यहां पर आपको ये प्लस में टाइम दिख रहा है, पश्चिम से जा रहे हैं माइनस में, लेकिन अगर इसको क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करते ही आप ईस्ट की तरफ आ जाएंगे। यानी यहां पर 12 घंटे प्लस नहीं, पूरे 24 घंटे का अंतर आपको मिलेगा, क्योंकि ये 12 घंटे पीछे था और ये 12 घंटे आगे खड़ा है। यानी यहां पर आप सोचिए, कोई व्यक्ति है वो 12 घंटे यहां पीछे है, लेकिन जैसे इसको क्रॉस कर रहा है यहां 12 घंटे आगे वाले टाइम में आ गया, तो वो तो 24 घंटे का डिफरेंस हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, वह एक दिन का अंतर आ गया। आप ऐसे समझ लीजिए, ये सोमवार के दिन यहां पर था और जैसे ही 180 को पार कर रहा है, इसे यहां मंगलवार मिल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नोटिस करिएगा, ये सीधे 12 घंटे प्लस, ये 12 घंटे माइनस, यानी 24 घंटे के अंतर पर ये देशांतर। तो आप पाएंगे जब ये यहां पर इंटर होगा तो एक दिन प्लस हो जाएगा, और ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि आप नोटिस करिए कैसे ये हो रहा, जैसे मान लीजिए हम 0 डिग्री पर हैं और यहां पर 0-0 टाइम हो रहा, 0-0 और दिन है मान लीजिए सोमवार, ऐसा मानकर चलते हैं। चलिए मान लेते हैं मंगलवार, जो यहां लिखा है मैंने। तो 0-0 पर यहां का दिन क्या है? मंगलवार। क्योंकि जब रात के 12 बजे मिडनाइट होता है, जैसे अभी आप सब क्लास कर रहे हैं, आप अपनी घड़ी में भी देख सकते हैं, मिडनाइट 12 बजते ही नया दिन शुरू हो जाता है। या YT पर, इस चैनल पर आप मेरी क्लासेस करते हैं, जब रात 12 बजे वो क्लास खत्म होती है तो उसके बाद वो वन डे दो क्लास दिखाने लगता है। तो ये तो आप कैलकुलेशन जानते ही है कि मिडनाइट के बाद डे बदल जाता। तो 0-0 मंगलवार, नया दिन शुरू हो चुका है यहां। लेकिन अब जरा गौर करिए, अगर कोई व्यक्ति 15 डिग्री वेस्ट पर है तो यहां तो अभी क्या बज रहा होगा, 23 आवर हो रहा होगा। ये 0-0 आवर है, यहां तो 23 आवर है, लेकिन मंगलवार नहीं है, यहां सोमवार ही है। ये ध्यान रखिएगा, जो 15 डिग्री पश्चिम पर खड़ा होगा उसके घड़ी में
23 आवर्स हो रहे होंगे, 23 का मतलब समझ रहे हैं आप सब, रात के 11 बज रहे हैं और यहां दिन सोमवार है, एक घंटे बाद यहां 24 हो जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा और मंगलवार हो जाएगा। अब यहां भी टाइम और डे याद देख रहे हैं, डे यहां भी मंगलवार, यहां भी डे मंगलवार, लेकिन एक घंटे बाद यहां का टाइम बढ़ जाएगा, ये जीरो आवर के बजाय 1 आवर हो जाएगा और यहां जीरो आवर हो जाएगा, दोनों जगह डे सेम। लेकिन जब आप 180 डिग्री पर पहुंचते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों तरफ एक ही दिन हो। हम 0 डिग्री को इंटरनेशनल डेडलाइन क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि यहां भी मंगलवार, यहां भी मंगलवार, कैसे, एक घंटे बाद, एक घंटे बाद आप देखेंगे यहां 0 1 आवर हो गया और यहां पर आप देखेंगे दिन तो मंगलवार ही रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है ना, एक घंटे बाद दिन बदलता है, दिन तो 24 घंटे बाद बदलता, और यहां पर एक घंटे बाद स्थिति क्या हो गई, 0 0 आवर हो गया और अब यहां भी मंगलवार है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, 15 डिग्री पश्चिमी देशांत, और बाकी इधर तो हर जगह वही। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे यहां पर आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहां भी आपको समय, यानी जब यहां रात के 12 बजे मंगलवार था तो यहां दोपहर का समय था, यानी 12 नून था, ये नून टाइम था यहां पर, और यहां पर दिन कौन सा था, मंगलवार, ईस्ट से जब हम आते हैं। लेकिन यहां भी आप देख रहे हैं, यहां तो सोमवार है उस समय, और इस पूरे देशांतर पर आपको सोमवार मिलेगा, यानी पश्चिमी देशांतर से खड़े हैं तो यहां पर भी 12 नून है, 12 नून, क्योंकि ये 12 घंटे पीछे जाइए चाहे 12 घंटे आगे, अगर आप यहां पर मिड नाइट पर हैं तो यहां 180 पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, नून का टाइम होगा, और अगर यहां पर आएंगे तो यहां भी आपको दोपहर 12 बजे का समय मिलेगा। लेकिन अंतर किस बात का है, पश्चिम से आ रहे हैं तो यहां पर आपको दिन कौन सा मिल रहा है, सोमवार। इसीलिए तो मैंने कहा जैसे ही आप इसको पार कर रहे हैं, पार करते ही आप क्या देख रहे हैं, यहां पर सोमवार की जगह पर क्या हो गया, मंगलवार हो गया। यानी इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर नोटिस किया जाए तो हम कह सकते हैं कि डे इंटरचेंज हो जाता है 180 डिग्री पर, 180 डिग्री देशांतर पर। तो 180 डिग्री देशांतर पर अगर हम नोटिस करें, यहां दिन का परिवर्तन होता है, यानी सोमवार से हम मंगलवार में प्रवेश कर जाते हैं। स्पष्ट हो गया ये? यही कारण है कि 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। अब जरा आप इस तिथि रेखा को देखें, इसे पढ़ें, तो कुछ तथ्य अपने आप स्पष्ट होते चले जाएं। जैसे यहां आप देख रहे हैं ये लाइन, यहां लिखा है मंडे है, अगर यहां पर अगर ये मंडे आपको दिख रहा है तो यहां पर क्या हो गया, ये ट्यूसडे, यानी इधर सोमवार है, ये मंगलवार, और ये है इंटरनेशनल डेडलाइन हमारी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में हम लोग जानकारी ले रहे थे, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों माना गया, यह कॉन्सेप्ट था। अब इसके संदर्भ में ग्लोब पर आप देख सकते हैं कि इसे इस तरीके से गुजारा गया है कि ज्यादातर महासागरीय भाग से गुजर रही, जमीन से नहीं, इसे महासागरीय भाग से ज्यादातर क्यों गुजारा गया, जिससे एक स्थल खंड को, एक लैंडमास को डिवाइड होने से बचाया जा सके, और जहां जमीन पड़ रही थी, स्थल खंड पड़ रहे थे, यानी लैंडमास था, वहां इसे मोड़ दिया गया, क्योंकि नहीं मोड़ा जाता तो कुछ दिक्कतें आ जाती। कैसे दिक्कत आती, अभी उस संदर्भ में हम लोग इसे समझेंगे। कुल मिलाकर के इस तरीके से यहां पर 180 डिग्री देशांतर को क्यों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया, इसको बच्चों हम लोगों ने समझा। और इंटरनेशनल डेट लाइन एक्सेप्ट की गई थी 1884 में,
इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में यह निर्णय लिया गया। ये प्रशांत महासागर से होकर गुजर रही है और जहां जहां लैंड मासेज आ रहे हैं वहां पर आप देख रहे हैं इसे बेंट किया गया है, ये तीन जगह पर मोड़ी गई है। और उसका भी एक सिंपल सा कारण है कि अगर इसे यहां ना मोड़ते तो साइबेरिया का एक पार्ट यहां से ऐसे अगर ये लाइन जाती तो साइबेरिया का एक हिस्सा इधर होता, एक हिस्सा इधर। तो इससे दिक्कत क्या थी कि इधर आप कह रहे मंगलवार है, इधर सोमवार है, यानी रूस के साइबेरियाई भाग में ही एक राज्य में दो दिन होते और इससे तकनीकी दिक्कतें आ जाती। इधर का बच्चा यहां पर कहता हमारे यहां रविवार है स्कूल बंद है, और यहां का बच्चा स्कूल जो जाता है वो कहे हमारे यहां सोमवार है स्कूल खुला, और स्कूल मान लीजिए कि यहां पर इस डायरेक्शन में, तो क्या करते। तो इस समस्या से बचने के लिए जहां लैंड पड़ रहा था वहां इसे मोड़ दिया गया। तो आप देख सकते एक जगह यहां साइबेरिया अलास्का को बचाने के लिए मोड़ा गया। फिर ये एल्यूशियन आइलैंड है हवाई द्वीप समूह का, अलास्का के द्वीप है, तो अलास्का के जो एल्यूशियन द्वीप है, सॉरी मैं हवाई बोल गया, एल्यूशियन आइलैंड जो यहां पर अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य, यहां पर आप देखें तो ये यहां पर आप देखें बेंट किया गया जिससे एल्यूशियन आइलैंड को बचाया जा सके डिवाइड होने से। और ऐसे ही यहां पर आप देखेंगे कुछ अदर आइलैंड है जिनको बचाने के लिए, यानी डिवाइड होने से बचाने के लिए इसे मोड़ा गया। तो ये तीन अलग अलग स्थानों पर इस तरह से मुड़ी हुई है, ये एक सीधी रेखा नहीं। ये था पूरा कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपका ये खगोलकी का टॉपिक खत्म होता है। अब बच्चों मैं एक नया सेगमेंट स्टार्ट करूंगा ज्योग्राफी में, वो क्लास कल लूंगा। आज की क्लास में इस चैप्टर को केवल कंप्लीट करना था। अब नया सेगमेंट जो मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा आपका लिथोस्फीयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पृथ्वी से जुड़े परिमंडलों का अध्ययन करने के लिए एक नया अध्याय प्रारंभ करूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।